डॉक्टर एंटीबायोटिक दे करके और कई बार सिरिंज या किसी और तरीके से फेफड़ों का पानी निकालते हैं, लेकिन फिर से पानी भर जाता है, तो इसका क्या कोई योग में, आयुर्वेद में कोई परमानेंट इलाज है? यही तो बात मैं कह रहा था, ये जो हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लेप फेफड़ों पर लगाना, जिनको ये स्पर्श ना कर पाए तो पतंजलि बाम लगा लेना, और बाम लगा करके ऐसे ही कपड़ा बांध देना, लपेट, इसको लपेट बोलते हैं जो अभी बताइए, ठंडे गर्म पानी से फेफड़े का सेक करते हैं, एक बार ठंडे पानी से सेक किया, फिर गर्म पानी से, ठंडा और गर्म तो लिया, गर्म पानी रखा एक उसमें जार में, और ठंडा गर्म पानी से फेफड़ों पर सेक कर दिए, ठंडे गर्म पानी का सेक, बाकी ये प्राणायाम इसको करते रहे, और फेफड़ों का पानी 100% सूख जाता है ये श्वासारी गोल्ड से। तो ये जो श्वासारी गोल्ड हम देते हैं, और बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो ये कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटे ले लें, नहीं तो अपने घर में ही ये लौंग, ये तुलसी, ये काली मिर्च, लौंग, तुलसी, काली मिर्च और मुलैठी, थोड़ा दालचीनी, और इसके साथ थोड़ा मिश्री या मुनक्का मुँह में डाल लेते हैं और चूसते रहते हैं, तो अपने आप कफ ख़त्म हो जाता है और फेफड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये कंठामृत का प्रयोग कर ले, ये लवंगादि, खदरादि, और ये जो श्वासारी गोल्ड लेते हैं इससे पानी पूरा सूख जाता है। नहीं तो बहुत से लोग कई स्टीराइड लेते हैं, अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सिरिंज से पानी निकलवाते हैं, कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, और बार बार फेफड़ों का पानी निकालने से फिर फेफड़े बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम आराम आराम से करें। अब स्वस्थ व्यक्ति तो ऐसे ज़ोर से भी कर सकता है, ऐसे ना करें, लेकिन जो बीमार है वो फिर वो आराम आराम से करें जिनके फेफड़ों में पानी भर गया है। मैंने सामान्य कफ, कोल्ड, अस्थमा से लेकर के सार्कोडाइसिस से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, जो जिसमें फेफड़ों का बदलना ही, चेंज करना, लंग ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है जैसे भाई बता रहे थे, उनको भी मैंने बचाया है। तो ये तरीका है, ऐसे ही करें सर। अच्छा स्वामी जी, करेंगे तो हुसैन भाई, और थोड़े दिन कल्प कर लें जी, वो खाना बंद करके खजूर, मुनक्का, अंजीर, बस यही लें, और चने के आटे की रोटी खाएं, और बाकी सब चीज़ें बंद कर दें। दिन भर जब प्यास लगे तो दिव्य पेय का ही पानी पिए। इतना करेंगे तो जिनके भी फेफड़ों में पानी भरा हुआ है वो एक सप्ताह बाद ही आपको फ़ोन करेंगे इंडिया टीवी पर कि हमारे तो फेफड़े का पानी सूख गया, चाहे निमोनिया के बाद या अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा के बाद या कोरोना के बाद, जिनको भी कोई भी समस्या हुई है पूरी खत्म हो जाएगी। हुसैन भाई, अब मुझे लगता है आपके प्रश्न इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी ले लो और हम प्राणायाम करते बस प्रश्नों पर जाएं। उससे पहले स्वामी जी एक और विषय उसको जरा शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ 2-4-10 सीढ़ियां चढ़ने में उनके सांसें जो है फूलने लगती हैं, तो इसकी एक वजह दमा अस्थमा होता है हम ये जानते हैं, लेकिन क्या थायराइड भी इसकी वजह हो सकती है या कोई और वजह आप देखते हैं? तो और जिनको थायराइड की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है वो कैसे अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं? थायराइड भी इसकी वजह होता है, थायराइड के कारण से भी सांस फूलता है, और थायराइड के साथ साथ जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता उनका भी सांस फूलता है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनका भी सांस फूलता है। तो थायराइड वाले कपालभाति के साथ साथ एक तो उज्जाई कर लें, ये कफ कोल्ड के लिए और फेफड़ों के लिए भी अच्छा है, फिर होल्ड करके कम से कम आधा मिनट ऐसे रखें, बाएं से छोड़ दें, ऐसे 11 से 21 बार तक कर सकते हैं, फिर ये सिंहासन, कैसे शेरों की तरह धाड़ लें, और ये सर्वांगासन और ये हलासन तो बहुत जबरदस्त है थायराइड के लिए, ये सर्वांगासन और ये हलासन ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और जिनको हार्ट के कारण से सांस फूलती है वो भी अनुलोम विलोम, भ्रामर, उद्गीत, शीतल, शीतकारी कर ले। जिनको लो इम्यूनिटी के कारण से सांस फूलती है तो वो आज वो सोयाबीन की टिकिया खाएंगे और उनको साथ साथ में दूध में हल्दी सलादी चौरपास और इम्यूनोग्रीट पाउडर, इम्यूनोग्रीट वती बता देंगे, तो लो इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी। एक बार अभ्यंतर प्राणायाम भी सिखा दें स्वामी जी। हाँ वो तो जरूरी है, हाँ वो बहुत जरूरी है। देखो अभ्यंतर प्राणायाम से ना फेफड़े बड़े मजबूत हो जाते हैं, श्वास को भरा
और ऐसे भर के रोक के लग रहे थे। मैं तो ऐसे 2 से 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं, इससे फेफड़े एकदम फौलादे हो जाते हैं। बहुतों को लगता होगा स्वामी रामदेव शायद जिम करता है इसीलिए उसका सीना उभरा हुआ है। स्वामी रामदेव ने कभी दिखाने के लिए इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए जिम भले ही कर लिया हो, मैंने जिंदगी में कभी जिम नहीं किया, लेकिन जिम वालों से कम नहीं है मेरी फिटनेस, बल्कि ज़्यादा। चाहे बॉडी की शेप हो, चाहे फेफड़े की शेप हो, या भुजाएँ हो, बाइसेप ट्राइसेप हो, या पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हो, तो लंबा गहरा श्वास भर के ऐसे रखते हैं जी, जी, और इससे जिन माँ बहन बेटियों की ब्रेस्ट का विकास नहीं होता वो भी पूरा हो जाता है। और शतावर चूर्ण साथ में खा ले, पुरुष अश्वगंधा और लेडीज शतावर साथ में खा ले, तो उनकी ब्रेस्ट भी पूरी विकसित हो जाती है। और जिनको स्तनों में दूध नहीं उतरता है पूरा, तो शतावर और जीरा साथ, ये दोनों साथ में ले लें, 100 ग्राम शतावर 50 ग्राम जीरा, ये एक एक चम्मच खा ले, तो ब्रेस्ट भी पूरी विकसित हो जाएगी और दूध भी पूरा उतर आएगा स्तनों में, और बच्चे भी पूरे बलवान होंगे। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे।